सुनिश्चित कीजिए मेरे व्यवस्थाएं ठीक से चले, इसलिए गृह मंत्रालय 24/7 कंट्रोल रूम शुरू किया जिसमें हजारों COVID-19 वैक्सीनेशन का इनॉग्रेशन अमल में आया है, जो 10:30 बजे आज थ्रूआउट इंडिया के अंदर ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम था। नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 2 हॉस्पिटल सेलेक्ट किए गए हैं, एक सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल जिसका मैंने अभी इफ्तिताह करके यहाँ पर आया है, और ये एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में पहले वैक्सीनेशन लेने वाले एक ENT डॉक्टर वेंकट ने पहला वैक्सीनेशन लिया है। और ये एक ऐसा ज़बरदस्त चीज़ है जो एक ज़माने से न सिर्फ पूरा हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया इस वैक्सीनेशन के इंतज़ार में थे। जो आज वैक्सीन का यहाँ पे जो इनॉग्रेशन हुआ है उसमें मुझे उम्मीद है कि अल्लाह चाहा तो ये वैक्सीन से हर एक को बेनिफिट होगा। सबसे पहले हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर डॉक्टर्स की टीम, सपोर्टिंग स्टाफ की टीम, और ऐसे लोगों को आज पहले सरोजनी हॉस्पिटल में 30 लोगों को दिया जाएगा और एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली में 30 जनों को दिया जाएगा। उसके बाद में कल से 70 से 100 को दिया जाएगा एक एक को, ऐसी कवर करते हुए फिर उसके बाद में तमाम आवाम को यहाँ पर नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के जो भी आवाम ख्वाहिश करेंगे उनको वैक्सीन दिया जाएगा। मैं ख़ास तौर से तमाम हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट, मेडिकल स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ, इन सब को मुबारकबादी देता हूं और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप लोगों ने जो सर्विसेज दे रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल अपने आप में एक बहुत बड़ी पहचान बनाया है, क्योंकि तेलंगाना के अंदर आज एरिया हॉस्पिटल में नंबर 1 में अगर कोई आ रहा है तो नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल आ रहा है, जिसके अंदर हमारी खुद की पार्टी की बहुत बड़ी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन रहा है। एक ज़माने से हम लोग नामपल्ली हॉस्पिटल को बहसियत है मैं चेयरमैन इसको ज़्यादा दिलचस्पी लेते हुए यहाँ के जो भी मसले मसाइल उसको हल करते हुए यहाँ पे तरक्की का काम लेते हुए आ रहे हैं। तो मैं फिर एक मरतबा मुबारकबादी देना चाहता हूँ यहाँ के तमाम जिम्मेदारों को और स्टाफ को। उसके साथ साथ मेरे मल्लापल्ली के कारपेंटर जनाब सफर साहब जो नुमाइंदा कारपेंटर है, और जनाब आरिफ रिजवान साहब जो रेडिल्स के नुमाइंदा कारपेंटर है और इस हॉस्पिटल के एक मेम्बर भी है, तो उन सब ताउन से और ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर मौजूद थे। उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर पुलिस डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट जिसके अंदर ACP गोशा महल और हुमायूं हबीब नगर इंस्पेक्टर और उनके तमाम SI टीम और सब मौजूद थे। उसके साथ साथ ट्रैफिक के CI नामपल्ली और उनकी तमाम टीम भी मौजूद थे। मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मुबारकबादी देना चाहता हूँ। आज के ये प्रोग्राम में आप सबका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उसके साथ साथ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हमेशा से ही हर प्रोग्राम में आती है, इन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बहुत बहुत। सर इनके संग से टीम से अगर वीडियो देखिए, पहली चीज़ तो इसके अंदर बहुत कम है, मगर प्रिकॉशन हर चीज़ को ज़रूरी है। कोई भी अगर फर्ज करो वैक्सीन लेते हैं तो उसके अंदर हल्का सा बुखार आता है, तो ये वैक्सीन देने के बाद 30 मिनट्स तक ऑलरेडी वो पेशेंट को यहाँ पर रख रहे हैं जिसको वैक्सीन दिया जा रहा है। और इसके अलावा एम्बुलेंस रेडी है और हमारे पास ऑक्सीजन का पूरा इंतज़ाम है, और इमरजेंसी डॉक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद है जिसके अंदर एनेस्थीसियन भी है, कार्डियोलॉजिस्ट भी है, तमाम के तमाम है। मगर हम जितना भी सुन रहे हैं इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसा आम वैक्सीन के अंदर बच्चों को भी अगर कोई टीका दिलाते हैं तो हल्का सा बुखार आता है, ऐसा 100 में 1 या 2 को थोड़ा स्लाइट बुखार आ सकता है एक दिन के लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू।